वाह वाह क्या बात है, यहाँ इंटरनेशनल गेमिंग कन्वेंशन में सुपर लीग 3000X कॉम्पिटिशन के बस अब कुछ आखिरी सेकंड्स ही बचे हैं। स्कोर्स टाई हो गए और कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, तो जीत किसकी होगी, लूशियस दी आई बॉर्न लिट्जनबर्ग स्ट्रॉमसन की या फिर हैक स्मिथ की? इस बार नहीं वॉर्न लिट्जनबर्ग स्ट्रॉमसन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा विनर है हैक स्मिथ। हैक, हम सब जानते हैं कि तुम किसके लिए खेल रहे थे। तुम्हारा ग्रैंड प्राइस है तुम्हारी फेवरेट असली सुपर लीग टीम के साथ उनके अगले मैच में जाने का मौका, स्टार से मिलने का मौका। तो हैक, तुम्हें कौन सी टीम चाहिए? अच्छा तो मैं चुनता हूँ सुपर स्ट्राइकर्स। आखिर मैं पहुंच गया, मेरा दिल धड़क रहा है, 50,000 फैंस का शोर है, सांसें तेज हो रही हैं और मैच शुरू होता है। मैं आया हूँ यहाँ पे लेके हौसलों की तार, लगा दूँ मैं अपनी जान, फिर है जीत मेरी यार। हर बच्चों तुम देखो मैच का, हम कुछ में देखे फाइट, जहाँ 1, 2, 3 मैं हूँ सुपर स्ट्राइकर, स्ट्राइकर। अब हमारे कोच कहाँ रह गए? वो तो कभी लेट नहीं होते, खासकर तब जब वो हमें हर बार 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 लगातार ये कहते रहते हैं कि गेम कितना जरूरी होता है। चलो चलो चलो, आपको पिछले साल के सुपर लीग फाइनल में किए हुए उसके गोल के बारे में पूछूंगा, और गोली को उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, और शेख को उसके, इसे संभाल कर रखना, इसमें होने वाले मैच की तुम्हारी टिकट है। बॉयज, ये है हमारी टीम का सबसे नया मेंबर हैक। हाय, आजा दोस्त। सेंसेई, सुपर स्ट्राइकर्स के लिए हमारी तैयारी अच्छी चल रही है, और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार आपको निराशा नहीं होगी। होना अच्छी बात है मीको चेन, पर जब बात सुपर स्ट्राइकर्स और उनके कोच की हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अपनी मेहनत दुगनी कर दो। जी सेंसेई ओरागिरी। वैसे तो कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छा है कोई चांस ना लेना। तुम सुपर लीग 3000X खेलना चाहते हो शेख? मैं तुम्हें इसे खेलने दूंगा। खेलना है शेख? हाँ, मैं सुपर लीग गेम खेलता हूँ, असली सुपर लीग गेम जिसमें असली लोग फील्ड पर खेलते हैं। हाँ, तो असली जिंदगी में तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हो। इस वक्त नकामा बहुत ज्यादा जोश में है, और तुमसे मिलते ही वो कहेंगे हाय सुपर स्ट्राइकर्स, आज हारने के लिए तैयार हो। तुझे तो मैं, नकामा पहले से बहुत ही अच्छी टीम हो गई है जो अलग अलग पैंतरों का इस्तेमाल करती है। तुम्हें अपनी आँख और कान खुले रखने होंगे, कभी कभी उम्मीद ना हो वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिल जाती है। मैं इतनी बार नकामा के सामने खेल चुका हूँ, और मैं ये आखिरी लेवल पार ही नहीं कर पा रहा था। उनका एक बहुत ही शानदार मूव है, और फिर मैंने सोचा मैं लेफ्ट लेफ्ट फिर राइट राइट उसके साथ एक्स दबाऊंगा, पर हमें एक बहुत ही जरूरी मैच खेलना है। हाँ, इसलिए पता है, एक बात कहता हूँ, रुकिए पहले से सेव कर लेता हूँ। हाँ तो एक बात बता दो कि नकामा, मैं यहाँ से सीधे ट्रेनिंग सेंटर जा रहा हूँ, तुम सब होटल में फ्रेश हो लो, फिर प्रैक्टिस शुरू।
जरा इसे देखो तो, ये बच्चा तो पूरा का पूरा पागल है। पूरी तरह से। कुछ देर बाद तो वो फर्क ही नहीं बता पाएगा उस असली गेम और इस वीडियो वाली गेम के बीच। सुपर लीग 3000X आज की सबसे एडवांस्ड कंसोल गेम है। हर प्लेयर के इंडिविजुअल मूव्स को मोशन कैप्चर के जरिए इसमें डाला गया है, जबकि टीम की स्ट्रेटजीज को पहले हुए असली मैचेस से लिया गया है। पता है, इसमें सब है, कमाल की गेम है, तुम लोगों को इसे खेलना चाहिए। ठीक है, मैं इस सब के लिए यहाँ नहीं आया था। कोच कभी भी ऐसा नहीं करते। हाँ, हम सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमें जानना होगा नकामा के लिए कोच की क्या स्ट्रेटजी है। उन्होंने कहा था ना वो सीधे यहीं आएंगे। उन्होंने कोई मैसेज नहीं भेजा क्या? कोच का मैसेज है। हाय दोस्तों, मैं कुछ देर के लिए कहीं फिशिंग करने जा रहा हूँ, कह नहीं सकता, शायद मैच के लिए वापस आऊँ, शायद ना आऊँ, जो भी हो। वैसे ये मैसेज कोच का तो नहीं लगता है ना? मेरे ख्याल से हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। मैं एक गेम खेलना चाहता हूँ कोच, हमारी आम गेम नहीं, किसी और तरह की गेम। तुम हो कौन? ना 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 ना, यहाँ सवाल तुम नहीं पूछोगे कोच, यहाँ सिर्फ मैं इंचार्ज हूँ। ठीक है, तुम यहाँ किसके इंचार्ज हो? चीजों का। स्पोर्टिंग की दुनिया में अभी सिर्फ कोच के इस मैच की स्ट्रेटजी पर ही चर्चा हो रही है। वो टैक्टिकल प्लानिंग करने में माहिर हैं और यही बात सुपर स्ट्राइकर्स के सबसे ज्यादा फायदे की है। लेकिन फायदा तो तब होगा ना जब प्लानिंग करने वाला बंदा यहाँ मौजूद हो। मतलब हमें बिना प्लानिंग के ही खेलना होगा। कोच के सम्मान में शायद हमें ये गेम नहीं खेलनी चाहिए। पुलिस उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, हम ये गेम कोच के लिए खेलेंगे और जीतेंगे भी। हैक ने नकामा को हराया था। हैक ने नकामा को हराया था। हाँ, तो हैक कहाँ है? शेख मेरे दोस्त, हैक चला गया। क्या, तुम्हें कैसे मालूम? इस नोट में लिखा है, मैं जा रहा हूँ और वापस नहीं आऊंगा। पर वो अपना गेम यहीं छोड़ गया। शायद वो जल्दबाजी में चला गया, हमने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था शेख। अब अचानक तुझे वो हैक वापस क्यों चाहिए? बोल। मुझे लगता है कि उसे पता होगा कि हम नकामा से कैसे जीत सकते हैं। मुझे एक गेम खेलनी है कोच। तो तुम कौन सी गेम खेलना चाहोगे? शायद स्पाई खेलने में मजा आएगा। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है जो दरअसल शुरू होता है ऊ से। क्या? हाँ, ऊ से। उरागिरी? नहीं, मैं दुनिया का सबसे महान कोच उरागिरी नहीं हूँ। उरागिरी बेहतर होगा कि अब तुम मुझे जाने दो। नहीं, अगर अगर मैं उरागिरी होता। तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो उरागिरी। ठीक है, अब मैंने इरादा बदल दिया, मैं जा रहा हूँ, तुम यही मजे करो हमेशा के लिए। ए, वापस आओ उरागिरी, मुझे बाहर निकालो। यार, तुम मुझे निकम्मा दिखा रहे हो। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है शेख। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे वो चेहरा बहुत प्यारा है। एक बात बता शेख, इस सब का क्या फायदा है? मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए इसे समझने के लिए। हमें नकामा के खिलाफ कैसे मदद करेगा शेख? अगर मैं ये लेवल पार कर लूं तो मैं शायद पता लगा लूंगा कि नकामा ने हमारे लिए क्या सोच रखा है। आ, 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 आ,
Left, left, red, triangle, zero, green, right, green X. Go! Super Strikers! सही कहा। Yes! ये tactics और moves सचमुच कितने असली हैं? नकामा मुसीबत में है। सही कहा बैट। Go! Super Strikers! सही कहा बैट। मैं नकामा को हरा सकता हूँ। मैं नकामा को हरा सकता हूँ। Yeah! लेवल वन पास्ट सुपर स्ट्राइकर्स अब बढ़ो 250 लेवल्स में से सेकंड लेवल पर 250 लेवल्स हमें हैक को ढूंढना होगा पर कैसे अरे यार क्या तू सारी रात गेम खेल रहा था मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि तू इतना लापरवाह है दोस्त मैंने पता लगा लिया है हैक नकामा के खिलाफ सारे 250 लेवल्स पार कर चुका है वो उनके सारे टैक्टिक्स जानता है अगर उसे ढूंढ लिया तो हम जीत सकते हैं उसे ढूंढने का वक्त नहीं है मुझे लगता है कोच मुसीबत में है आज सुबह मुझे ये मिला आज सुबह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कोच के लिए अपील देने को वाह क्या शहर है शायद दूसरे शहर भी इतने ही अच्छे होंगे शायद एक पूरी दुनिया है देखने के लिए इस गेम के बाहर मेरा गेम मैच का दिन आ गया पर अफसोस बिना कोच के सुपर स्ट्राइकर्स के जीतने की उम्मीद ना के बराबर है कम ऑन हैक को मेरा मैसेज जरूर मिला होगा उनके हर मूव पर गौर करना हमें उनकी गेम का अंदाजा लगाना होगा आज तो हाउसफुल है नकामा स्टेडियम की कैपेसिटी है 70,000 लोगों की और फिर भी ऑफिशियल अटेंडेंस दिखाता है कि आज सिर्फ 69,999 दर्शक आए हैं शायद ही कोई ऐसे मैच को देखने का मौका गंवाना चाहेगा मैं अपना गेम लेना कैसे भूल गया आई होप उन्होंने उसे छुआ ना हो उन्होंने इसे छुआ था और ऊपर से सेव भी नहीं किया उल्लू कहीं के प्लीज अथॉरिटीज को जल्द से जल्द खबर करें थैंक यू यही कहना था मैं बस अपने दोस्त हैक से ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और प्लीज जल्दी वापस आ जाओ मैंने वो गेम खेला है और मुझे लगता है कि आपने सही सुना सुपर स्ट्राइकर्स बुरी तरह फंसे हैं क्योंकि आने वाले सुपर लीग मैच में उनका सामना है तगड़ी टीम नकामा से बिना इनके कोच के इनके जीतने के चांसेस ज्यादा नहीं है अब गेम को खेलना होगा सच में हाल ही में नकामा टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है देखते हैं आज सुपर स्ट्राइकर्स उनके आगे क्या गुल खिलाते हैं बिना कोच के उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उन्हें क्या करना है फाइटर की अच्छी कोशिश ये क्या कैप्टन भी नाकाम बिको चैन बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए बिको चैन की शानदार किक और ये गोल वाओ कोच के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे कैप्टन ये तो एक बच्चे से मिठाई लेने जैसा था एक और गोल हमारे दो गोल हमारे दो गोल सॉरी मैं जाती हूँ रुको इतने सालों बाद भी मुझ में कुछ बात है ये
ये क्या यार, हमें कोच की जरूरत है। तुम आ गए। हाय दोस्तों। हेलो गेम खेलने वाले पागल लड़के। हैक, तुम हमारे कोच बन सकते हो। तुम बता सकते हो नकामा का अगला कदम क्या होगा। देखा हैक, तुझे गेम खेलने वाला एक और पागल मिल गया। ये सारी रात बैठकर गेम खेल रहा था, पता है। लेकिन शेख, हैक तो बस एक बच्चा है यार। हाँ सही कहा, मैं जानता हूँ ये एक चैंपियन है, पर सिर्फ वीडियो गेम्स का। मैंने सुपर लीग 3000X खेला है, यकीन मान हैक नकामा की छोटी से छोटी टैक्टिक्स जानता है, हमारे कोच की तरह। याद करो कोच ने क्या कहा था, कभी कभी जहाँ से उम्मीद ना हो वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिल जाती है। बेहतर होगा तो इस बारे में गलत ना हो शेख। ठीक है, आप सबको एक बात जानना जरूरी है, ये कि नकामा अपनी सबसे मुश्किल और कॉम्प्लेक्स टैक्टिक्स मुश्किल घड़ी के लिए ही बचा कर रखते हैं। आप जितना अच्छा खेलोगे वो आपसे डबल अच्छा खेलेगा। तू ये सब जानता कैसे है? ये सब सुपर लीग 3000X जैसा ही है। अब याद रहे, आप सेकेंड हाफ में जैसे स्कोर बराबर करोगे तब वो अपनी बचाई हुई टैक्टिक का इस्तेमाल करेंगे, बुशीडो स्टैंडर्ड। तीन गिनते ही, एक दो तीन, सुपर स्ट्राइकर्स। मैच फिर शुरू। 11 पिच कंडीशन, एडीना कमोरा 124 पेसेस, 70% विंड स्पीड, केंजो होंडा 22 स्पीड, फ्री किक सक्सेस परसेंटेज, अहा गुजियाओ बाएं पैर का मिडफील्डर, समझ गया। क्या बात है, क्या गोल था। हाफ टाइम के बाद तो कमाल हो रहा है, ये बच्चा तो हमारे लिए एक वरदान है। क्या कहा, किस बात का दान है। बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन। चौका पास, शेख बेहतरीन किक और ये गोल। सुपर स्ट्राइकर्स तो कमाल किए जा रहे हैं। ये छोटा सा कोच कौन है? तो सुपर स्ट्राइकर्स को लड़ना है, अब मैं उन्हें दूंगा बुशीडो स्टैंडर्ड। ये मत सोचो कि मुश्किल वक्त खत्म हो गया, अब नकामा और भी जोश में खेलने वाले हैं और उस टैक्टिक का इस्तेमाल करेंगे जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। तो अब हम क्या करें? वो टैक्टिक है लेफ्ट फिर राइट ग्रीन, साथ में एक जीरो। ठीक है, अब जरा हमारी समझ में आए ऐसे बताओगे? लेफ्ट लेफ्ट राइट ग्रीन, साथ में एक्स जीरो। लेफ्ट लेफ्ट राइट ग्रीन, साथ में एक्स जीरो। टाइगर गोल की तरफ पड़ रहा है, ऑल स्ट्राइकर्स के गोल की ओर है, नकामा भी ज्यादा पीछे नहीं है। क्या ये नकामा के लिए जीतने वाला पल हो सकता है? उन्होंने इस मूव के साथ सुपर स्ट्राइकर्स को चौंका दिया है। लेफ्ट लेफ्ट राइट ग्रीन, साथ में एक्स जीरो। एक अच्छे काउंटर प्लान के साथ शेख ने बॉल पर कंट्रोल पाया। नकामा तेजी से पीछे की ओर गए। इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी सुपर स्ट्राइकर्स ने सेकंड हाफ में शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। शेख आगे बढ़ रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स जीत गए हैं। आखिर ये कैसे हो गया? तुमने तो कमाल कर दिया बच्चे। बहुत अच्छे छोटे उस्ताद। थैंक यू वेरी मच हैक, तुम एक अच्छे कोच बनने के सभी लक्षण हैं। कोच न जाने वो कहाँ होंगे। आप आखिर चले कहाँ गए थे? बुशीडो स्टैंडर्ड, तुम लोगों को उसका तोड़ कैसे पता चला? कभी कभी उम्मीद ना हो वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिल जाती है।
हेलो, कोच, आप उन किडनैपर्स से बचकर आ गए? हा? मुझे मेरा फोन वापस मिलेगा? फोन? मेरे पास आपका फोन क्यों होगा कोच? तुमने सुपर स्ट्राइकर्स थीम को अपना रिंगटोन बनाया है? यहाँ सुपर स्ट्राइकर्स की थीम बहुत फेमस है, मैं इसे वॉइस मेल सर्विस पर भेज देता हूँ कोच। कोच बोल रहा हूँ, टीम के बाद मैसेज छोड़ो। वॉइस मेल ग्रीटिंग के लिए कोच की आवाज भी बहुत फेमस है। हाँ।